अगला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है 1854 का चार्टर्ड वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको मैंने क्विक रिवीजन के लिए तैयार कर दिया है। किस तरीके से इसने पूरे शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन किया, इन सब के बारे में हम बात कर ले रहे हैं। चलिए, वुड का घोषणा पत्र भी इसे कहा जाता है, या इसे कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसमें अनुच्छेदों की संख्या पूछी जाए तो 100 होती है, 100 अनुच्छेदों का एक लंबा प्रपत्र था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल चार्ल्स वुड को बनाया गया था और उन्होंने 1854 में एक डिस्पैच तैयार किया जो कि 100 अनुच्छेदों में बटा हुआ था, और इसमें भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा की उपाधि भी दी गई है। शिक्षा के प्रसार का इसने बहुत ही प्रभावी प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षा का प्रसार किया। प्राथमिक स्तर पर हल्का बंदी के अनुसार विद्यालयों का स्थापना पूछा जाता है प्रश्न, बहुत ही प्राथमिक स्तर पर हल्का बंदी के साथ विद्यालयों का स्थापना किस के तहत किया गया, तो 1854 की बुड डिस्पैच के तहत किया गया। कंपनी प्राथमिक शिक्षा का दायित्व लेकर सरकारी सहायता, देशी भाषा में अध्यापन और स्थानीय भाषा में भी अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक शिक्षा में बहुत ही जरूरी प्रश्न, एक मनना ही बनना है, एक प्रश्न आपका सीटेट यूपी टेट में कंफर्म आना ही आना है। बाकी आगे देखते हैं। हाई स्कूल स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज खोले गए और इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही विश्वविद्यालयों की स्थापना, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक एक विश्वविद्यालय खोले गए, किसकी तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। 1854 का था, 1858 में खोला गया जहाँ तक मेरी नॉलेज है। जी हाँ, चलिए, तकनीकी एवं व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना भी पर भी जोड़ दिया गया और इसने पहली बार ग्रांट इन एड शब्द का, यानी कि विद्यालयों को ग्रांट देने की जिम्मेदारी सौंपी गई, सरकारी सहायता देने के, अनुदान देने की। साथ ही साथ उच्च शिक्षा का माध्यम जो पूछ लेता है तो वो था अंग्रेजी और स्कूली शिक्षा देशी भाषा में। तो ये था चार्ल्स वुड का डिस्पैच, एक ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।